हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी विद मी। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त DIY जो कि मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है लेकर आई हूँ। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं चाइना रोज़, जिसे हिबिस्कस फ्लावर भी कहते हैं, उसके ज़रिए से मैं बहुत ज़बरदस्त सा समझ लीजिए नाइट क्रीम बनाने जा रही हूँ, जो कि आपके स्किन पर बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगा, क्योंकि हिबिस्कस फ्लावर जो है वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट होता है। आपके स्किन के डेड सेल्स जो है वो रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज़ का खात्मा करता है, एक्ने वगैरह से जो है वो फाइट करता है, यानी कि जो आपके स्किन पर एक्ने वगैरह होते हैं उसे भी काफ़ी हद तक ख़त्म करने में जो है वो मदद करता है। बहुत ज़्यादा बेस्ट है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। तो हेयर्स के लिए भी मैं ऑयल बनाना बताऊँगी, लेकिन वो मेरे आने वाले आगे की वीडियोज़ में होगा। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है नाइट क्रीम, और इसको आपको बनाना बहुत ही सिंपल चीज़ों से है, और ये तमाम चीज़ें आपके पास घर में मौजूद होती हैं। चाइना रोज़ अगर नहीं है तो आप मंगवा लीजिए कहीं से भी, या इसका एक पौधा ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट होता है और इसके यूज़ेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इसके प्लांट को अपने पास रखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमें बहुत सिंपल चीज़ें चाहिए इसे बनाने के लिए। नंबर वन इज़ एलोवेरा जेल, नंबर सेकेंड इज़ रोज़ वाटर, नंबर थर्ड जो है वो हमारे पास चाइना रोज़ है, जिसको मैंने क्रश कर लिया है मोटा मोटा सा, बहुत अगर आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट क्रश इज़ इनफ। पेस्टल एंड मोटर में क्रश कर लीजिए और एक कंटेनर ले लेंगे और स्ट्रेटनर ले लेंगे। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। हमने रोज़ वाटर लिया और इसमें जो है वो हम ऐड कर देंगे, दैट इज़ इनफ। अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह से इसमें इस तरह से क्रश करेंगे स्पून की मदद से, ताकि इसके जो एक्सट्रैक्ट हैं वो रोज़ वाटर में शामिल हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से स्पून की मदद से जो है वो क्रश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेस्ट बना रही हूँ जिसे हम कह सकते हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से छोड़ देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने इसको छोड़ दिया था, अब मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से छान रही हूँ। देखने थोड़ा बहुत ज़्यादा ये जो है ये लेस की फॉर्म में होता है, तो थोड़ा सा इसको स्ट्रेनर की मदद से छानने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने इसको छोड़ दिया था 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए इसका कलर कितना ब्यूटीफुल सा जो है वो रोज़ वाटर के साथ मिलकर इस कंटेनर के अंदर आया है। इसके बेनिफिट्स को ज़रा मैं डिस्कस कर दूँ। आयुर्वेदा में जो है वो इसका टी बनाकर यूज़ किया जाता है हिबिस्कस फ्लावर का, क्योंकि ये विटामिन सी से रिच इन विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है। और इसके अलावा जो है वो ये बोटॉक्स फ्लावर भी जाना जाता है, यानी कि नेचुरल बोटॉक्स है आपकी स्किन के लिए। इतने महंगे जो बोटॉक्स के इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उन्हें लगाने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास ये चाइना रोज़ कुदरत ने नेचर में रखा है। तो हम इसके बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, नेचुरल शैम्पू भी हम इसकी मदद से बना सकते हैं, और हेयर ग्रो वो हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो ग्रे हेयर होते हैं, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर होते हैं, जो प्री मैच्योर ग्रे होते हैं हेयर, आपके जो वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, अगर आप इसको यूज़ करें अपने शैम्पू और एज अ ऑयल में बनाकर, तो भी ये जो है वो आपके प्री मैच्योर हेयर ग्रोइंग को जो है वो रोकता है। बहुत सारे बेनिफिट्स इसके स्किन और हेयर्स के लिए। आज तो सिर्फ स्किन के लिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आपके कंटेनर में इसका एक्सट्रैक्ट मैंने हासिल कर लिया है। अब इसमें मैं एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं इसको फ्रेश बनाऊँगी, फ्रेश कंज्यूम करूँगी। इसको आप 3 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपको इसे स्टोर नहीं करना है। अगर आप इसे फ्रेश बना ले रोज़ तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन 3 डेज तक ये चल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट मैं इसमें डाल दूँ, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा ऐड करूँगी तो फिर थोड़ा सा जो है वो पेस्ट पतला हो जाएगा। आई थिंक दैट इज़ इनफ। मुझे सिर्फ अपने फेस के लिए यूज़ करना। अब हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें एलोवेरा जेल शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सीरम ही लाइक होगा, क्योंकि ज़ाहिर एलोवेरा जेल भी जब आप किसी इसके साथ मिक्स करते हैं, रोज़ वाटर है इसमें, फिर एलोवेरा जेल जब आप मिक्स करते हैं तो ये थोड़ा
पानी पानी सा हो जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें ये ऐड कम किया है, थोड़ा सा इसको क्रीम की शक्ल देने के लिए। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर आया, कलर देखिए इसका, ये चाइना रोज के जो फ्लावर, इसने कितना खूबसूरत कलर दिया हमारी क्रीम को। नाइट क्रीम के तौर पे ये काम करेगा और इट वर्क्स वंडर्स फॉर योर स्किन, ये आपकी स्किन के लिए वंडर मैजिक है एक तरह से, आपकी स्किन के लिए जादुई हैसियत रखता है, जादू की तरह काम करेगा। इसे आपको रोज़ लगाना है, बोटॉक्स है इसमें, नेचुरल बोटॉक्स भी शामिल है जो आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट से रिच है और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब आपको इसको लगाना किस तरह से है, अपनी स्किन पे थोड़ा सा इस तरह से अप्लाई करना है और इस तरह से ओवरनाइट लगाकर छोड़ देना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी जितनी भी DIY होती है वो मैं ख़ुद बनाती हूँ और इसे ट्राई करती हूँ एंड देन इसको फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।